दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी ग्रामर की। चाहे आप DSSB का एग्जाम दे रहे हो, चाहे NBS का, चाहे KBS का, देखो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जो आपका सिलेबस में है और सिलेबस वाइज जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको सारे वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो अपन आज दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम है शब्द भेद। आप अपना सिलेबस मिला लेना, सिलेबस में आपको सेकंड नंबर टॉपिक मिलेगा शब्द भेद, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक, अब इसमें अपन आज पहला वीडियो देखेंगे तत्सम तद्भव के रूप में। ठीक है ना, तत्सम तद्भव दोनों शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में आएंगे, पूछेगा सवाल किस तरह के कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, या निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, या निम्न में से किसकी उत्पत्ति तत्सम से हुई है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा, कभी कभी ये क्वेश्चंस टिपिकल हो जाते हैं, पहचानने में मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ आपको साथ साथ वो महत्वपूर्ण शब्द भी बताऊंगा, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम में टकराए होंगे, टकराने वाले होंगे। इसलिए बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत प्रेम से आप इसको शेयर भी करें। लेकिन इससे पहले आप मेरे साथ चलें व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शब्द भेद में हम देखेंगे आज स्त्रोत के आधार पर जो शब्दों के भेद। देखो सबसे बड़ी बात, तत्सम और तद्भव ही होते हैं, है ना। तत्सम तद्भव के बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके दो पार्ट और हैं, देशज और विदेशज। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में केवल तत्सम और तद्भव ही बताऊंगा, क्योंकि अपने आप में ये व्यापक क्षेत्र है। तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है? तत्सम क्या होता है कि इसको बांटो आप पहले, इसको शब्द के अर्थ को समझो आप पहले, तद्भव को आप सबसे पहले समझो, ताकि ये समझ में आ जाएगा ये है क्या, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इनके शब्द कैसे बनते हैं। देखो तत्सम दो चीजें हैं इसमें, पहली बात तो तत्, दूसरी बात है सम। ठीक, तत्सम का मतलब क्या है? तत् तो मतलब होता है उसके, है ना, उसके, और सम का मतलब है जैसा, यानी कि जैसा वो था ना, वैसा का वैसा। तो कैसा? संस्कृत के जैसा। यहां तत् किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए आया है। देखो पहला सवाल तो यही कि तत्सम शब्द में तत् जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो वो संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है। सम माने समान, यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द थे उनको जब अपन ने क्या किया, एज इट इज हिंदी भाषा में शामिल कर लिया, तो वो तत्सम शब्द कहलाए। ठीक है, जब अपन ने संस्कृत भाषा के शब्दों को एज इट इज हिंदी भाषा में शामिल कर लिया तो वो तत्सम शब्द कहलाए। फिर हुआ क्या कि धीरे 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 बोलने में थोड़ी समस्या आती है, कभी किसी को तो कभी किसी को, यानी कि मुख सुख के लिए अपन ने संस्कृत के उन शब्दों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से, यानी कि अपन उन शब्दों को अपने हिसाब से बोल रहे हैं और सामने वाला उनका अर्थ ग्रहण बड़ी आसानी से कर रहा है, तो वो शब्द भी फिर हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए। देखो शब्दों में या भाषा में सबसे बड़ी जरूरत यही है कि अर्थ ग्रहण जरूरी है, अगर अर्थ ग्रहण जरूरी नहीं है तो वो शब्द में शामिल नहीं किया जाएगा। तत्सम शब्द थे जो संस्कृत में थे उनका अर्थ हुआ करता था, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन ने नए शब्द बना लिए, लेकिन उनका अर्थ ग्रहण भी होने लगा, यानी कि अपन ने संस्कृत के शब्दों की जगह उससे बने नए शब्दों को प्रयोग किया और उनका अर्थ भी लोग उनको समझने लगे, तो वो तद्भव शब्द कहलाए। जैसे अपन उदाहरण ले लें कि सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया है आद्रक, है ना, आद्रक। आद्रक क्या है? संस्कृत में अदरक को कहते हैं। ठीक, अब प्राचीन लोग जब आद्रक बोला करते थे तो जब वो किसी को कहते थे भाई आद्रक लेके आना, तो वो समझ जाते थे ये अदरक मंगा रहे। धीरे धीरे शब्दों में बोलने में किसी को दिक्कत आई तो उसने कहा किसी ने और ने कि भाई अदरक लेके आना, तो उसको समझ में आ गया कि ये आद्रक बोलना चाह रहा है, तो उसने उसको लाके अदरक दे दी, यानी कि अदरक का अर्थ भी अदरक, और अदरक तो अदरक है ही, तो फिर वो अर्थ का ग्रहण हो गया, यहां फिर नए शब्द की उत्पत्ति हुई अदरक। इसी प्रकार अक्षवाड, इससे उत्पत्ति हुई अकाड़ा की, इक्षु इससे उत्पत्ति हुई ईख की, अर्क इससे जो शब्द नया विकसित हुआ अर्घ, है ना, ग्रामीण महिला कहती है अरे चंद्रमा उगाया अर्घ दे लो, चांद उगाया अर्घ दे लो, तो समझ जाते मन की ये अर्घ देने को कह रही है ना, यानी चंद्रमा को पानी देने के लिए कह रही है। इस प्रकार तो ये सब चीज,
तो संस्कृत से जब शब्दों का झोंका तो लिया गया है, वो तो हुए तत्सम और उनसे विकसित होकर मुख सुख के लिए नए शब्द बन गए और उनका अर्थ ग्रहण होने लगा, तो वो कहलाए तद्भव। ठीक, तो तद्भव शब्द में है जो संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। तो यहां तद किसके लिए आया है, ये भी संस्कृत के लिए आया है और तत भी संस्कृत के लिए आया है, ठीक है ना। तो संस्कृत के शब्द जब एज इट इज आते हैं वो तो होंगे तत्सम, और जब एज इट इज नहीं आते उनसे मिलता जुलता शब्द आता है तो वो होगा तद्भव, लेकिन दोनों का अर्थ एक होना जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब कुछ उदाहरण देखो, अदरक का तद्भव है अदरक, अक्षवाट का तद्भव है अखाड़ा, इक्षु का तद्भव है ईख, या अर्घ का तत्सम है अर्क, है ना, उचा का तत्सम है उत्साह, कुल्हाड़ा का तत्सम है कुठार, खरजूर का तद्भव है खजूर, नाई का तत्सम है नापित, घटिका का तद्भव है घड़ी। ठीक, इस प्रकार हजारों शब्द हैं, पूरी सूची देने है संभव नहीं है, लेकिन समझ लेना कि तद्भव और तत्सम में फर्क क्या है। यही फर्क है, जब आपको कोई शब्द नजर आए जो संस्कृत से लिया हुआ हो या संस्कृत का शब्द नजर आए तो वहां आप बताएंगे वो तत्सम है, और जब उसी के जैसा कोई शब्द आए तो आप बताएंगे वो तद्भव है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं मेरे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसमें एक ऊपर बेल आइकन लगा हुआ है, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेंगे आपके पास। दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और ना ही शेयर करने में करें, क्योंकि इससे बड़ी समाज सेवा संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए नहीं हो सकती। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि संस्कृत एक बहुत ही विस्तृत अपने आप में लैंग्वेज है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में टॉपिक्स अलग हैं, तो आप मैक्सिमम कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि मैं अगला वीडियो जो है उस टॉपिक पे बना सकूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही किसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।